अभी दोस्तों मैं पहुंचा हूँ अंधेरी स्टेशन। तो अभी मैं पहुंचा हूँ एक्वा डिस्कस के लोकेशन में। हमारे साथ कौन है सर? तो भाई पब्लिक कैसा है? सामने है कौन है पहचानो? गार्डनी सर निकलते हैं ना। थैंक यू। सिंगल घाट ऊपर। तो अभी मैं दीवा स्टेशन उतरा हूँ, तो अभी देखते हैं। और हमारे साथ है पैसा ना रहेगा तो ज़्यादा अनबॉक्सिंग करने का है। शॉर्ट टाइम है हमारे पास, काफ़ी कम टाइम है, शूट भी कर। तो सर अभी हम जा रहे हैं दातिवली स्टेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दातिवली स्टेशन, कुछ भी नहीं इधर है, पोल भी नहीं लाइटिंग का है। तो ऐसे मुंबई में अभी भी स्टेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं। और है ना नसीब चांगला असेल ते भेटेला। अभी दोस्तों मैं पहुंचा हूँ अंधेरी स्टेशन। तो जाने का है जोगेश्वरी। तो आज ये वीडियो क्यों बन रहा है तो आपको थोड़ी देर में जैसे मैं रिक्शा में बैठूंगा तो आपको पता चलेगा। तो अभी हमारी ट्रेन आ गई है। मिरर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा रश था तो इसके लिए मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ। मैं अभी कड़ावट से पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली मेरे पास बहुत मुझे लेट हो गया है। तो जोगेश्वरी स्टेशन पे उतरा हूँ। अभी मुझे जाना है यहाँ से जोगेश्वरी वेश ओशीवारा। तो अभी मेरी रिक्शा में तो जाने का है ओशीवारा। एक बार डिस्कस में जा रहा हूँ, वो एक्वा डिस्कस का शूट नहीं है, वो वहाँ पे है आरटीएन का शूट है। मुझे उनका कल फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला कि शूट करने का क्यू एंड ए करने का है। तो मैं जा रहा हूँ, बहुत महीनों के बाद वहाँ पे शूट हो रहा है, मतलब आरटीएन में शूट हो रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने शूट किया था उनका कुछ फूड का था, तो इस बार मुझे भी एक्चुअली आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। तो ये है ब्लॉग वन है। मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे बियड मिल रहते हैं जो हम लोग स्टोर में जाके शूट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते, आप दिखा नहीं सकता क्योंकि पूरी तरह से एक वन फ्रेम में शूट होता है। तो मैं सोचा कि चलो व्लॉग है तो एज अ व्लॉग की तरह मैं आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगी कैसे शूट होता है, क्या क्या हम लोग चीज़ें करते हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूँ एक्वा डिस्कस के लोकेशन में। हमारे साथ कौन है सर? तो भाई पब्लिक कैसा है? तो आरटीएन है, रॉडनी सर है। हम लोग यहाँ पे रॉडनी है, रॉडनी सर्वर मत बोल यार, रॉडनी डीजे। लोकेशन चेंज है क्योंकि घर पे थोड़ा काम है मेरा। यस सर। तो दैट्स व्हाई दोस्त इधर आया, उसने बोला परमिशन दिया है। तो दोस्त का नाम क्या है? तो जानिल डिसूजा दोस्त का नाम है। ओके, चेकआउट कर सकते हो। यस, मच्छी भी चेकआउट करो, एक नंबर मच्छी है। कॉन्टैक्ट करने के लिए उसको भी कॉन्टैक्ट करो, मेरे को कॉन्टैक्ट मत करो, मेरे को सिर्फ फूड के लिए कॉन्टैक्ट करो, बाकी तो मच्छी देख लो। अभी हम देखते कि कैसे क्या शूट होने, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है क्यू एन ए होने वाला है। तो अभी थोड़ा हम लोग बात करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मैं मिलता हूँ। सामने है कौन है पहचानो? पहचान कौन? पहचान कौन सर, कहाँ पे जा रहे हो? मैं लंच पे जा रहा हूँ सर। अच्छा, थोड़े कजिन लोग रुके मेरे लिए, तो मैं लंच पे जाके ऐसे आता हूँ। चलेगा चलेगा, तो मिलते हैं जल्दी। आ जाओ, आई विल गेट बैक टू यू। यस, थैंक्स प्रथमेश। थैंक यू सर, वेलकम। तो अभी क्या आपने मंगाया है खाने के लिए? खाने के लिए तो अभी भेजा है, लेकिन क्या खाते हैं अभी, खाना के बात करना अच्छा लगता है। ऐसा पब्लिक का इंटरव्यू ऐसा होता है कि बैठो और इंटरव्यू करो, नहीं बोल दो जो बोल दे क्या इंटरव्यू में। कैसा होता है सर, आपके बारे में बोलो थोड़ा, अभी इंट्रो लेते हैं, बाद में क्यू एन ए करते हैं और उसके बाद मैं आपसे मैं मिलता हूँ पूरा वीडियो शूट करने के बाद। अभी आ रहा है फोर क्वेश्चन सर, ये बताइए
डॉक्टर चेंज और मेडिसिन आपके अकॉर्डिंग पार्टनी सर निकल दे ना, थैंक यू। इलेक्ट्रिक बाइक चलाओ भाई, बहुत पैसा बचता है और वही पैसा बचा मैं इसको दो और वीडियो बनाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, मैं जाऊँगा अभी अंधेरी स्टेशन, अंधेरी से देखता हूँ मेट्रो या फिर दादर वगैरह जाके देखता हूँ। अभी मुझे दीवा जा रहा हूँ मैं एक और के शूट के लिए। तो अभी डिसाइड हुआ है कि मैं जा रहा अभी घाटकोपर, मतलब सर मुझे छोड़ेंगे घाटकोपर छोड़ेंगे। घाटकोपर छोड़ने के बाद मैं वहाँ से तो मुझे अभी मरोड़ छोड़ेंगे, तो उसके बाद मैं मरोड़ से घाटकोपर जाऊँगा। घाटकोपर से अपना सेंट्रल लाइन में सीधा दीवा पकड़ के मैं बाय ट्रेन में बाय लोकल में दीवा चल जाऊँगा। फोन दे रहे यहाँ पे मैं अभी मेट्रो स्टेशन पे हूँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अंधेरी का मेट्रो स्टेशन अभी जाता हूँ मैं। सिंगल घाट को अभी बजे है 4:40। अभी मैं दीवा स्टेशन उतरा हूँ, तो अभी देखते हैं, अभी फटाफट से रिक्शा पकड़ते हैं और जाते हैं दीवा। यहाँ से सब लोग पटरी क्रॉस करते हैं, पर आज मैं देख रहा हूँ कोई पटरी क्रॉस ही नहीं कर रहा है, ऐसे वहाँ पे पूरा ब्लॉक किया है। यहाँ पे ये आगासन फाटक है, वहाँ पे मैं उतर गया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन जा रही है, ये पनवेल की तरफ जाता है, मतलब ये ट्रेन है और ये है मुंबई की तरफ दीवा। तो अभी मैं आया हूँ एक्वा वर्ल्ड में और हमारे साथ है, इनको पैसा ना रहेगा, अभी जाने वाले हस्ती है, सेलिब्रिटी है, दीवा के सेलिब्रिटी है। अभी मेरा स्टॉक आया है, अभी इसका पूरा अनबॉक्सिंग चालू है, यहाँ पे पूरा फ्रेश है, सेट हो रहे हैं, काफ़ी काम है सर। 7:38 फर्स्ट टाइम का मैंने वीडियो शूट किया था यहाँ पे एक्वा वर्ल्ड में, तो यहाँ पे सामने आ रहा है व्यू, देखो 50K क्रॉस हुए हैं, तो आज हम लोग पार्टी भी करने वाले हैं 50K का, तो व्यूज़ आए हैं और पूरा स्टॉक तो हम लोग कवर ही करने वाले हैं। मज़ा आता है एक ओवर में, जब भी आता हूँ ऐसा घर जैसा फील होता है, पूरा स्टॉक भी काफ़ी सेट रहता है और काफ़ी अच्छा है। तो ये पूरा स्टॉक है सर, क्या क्या स्टॉक है इसमें? ये सब इम्पोर्टेड सिक्लीव्स है। हाँ, नया वर्ल्ड जैसे फेमस है अपना, हर टाइम एक वीडियो में हम नया फिश जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस बार भी आपको जो फिगर्स का है एक वैरायटी आपको मिलेगा देखने, देन सम सिक्लिड्स है, इलोटी सिक्लिड्स है, वो एक आपको देखने को मिलेगा, वही आया है अभी जस्ट अपने पास। अभी वो बॉक्स में भी फिश है क्या? यस, सेम फिशेस है, सिक्लिड्स ही है उसमें भी। 7:38 आज जो टाइमिंग है मेरा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ट्रेन मिस हो गया तो जहाँ पे मुझे 1 घंटा लगेगा विरार पहुँचने के लिए, तो शायद से मुझे 3-3.5 घंटा अगर वो ट्रेन गई तो मुझे वाया पूरा जाना पड़ेगा दादर वगैरह करके, मुझे रिस्क नहीं लेने का। पहले एक तो तबीयत डाउन है, वीकनेस है, सर्दी है, खांसी है, सर तबीयत एक्चुअली डाउन है, मैं नहीं आने वाला था। पर आपका तो शूट बहुत ही मुश्किल से मिलता है,
दो महीने से मैंने ये टाइम निकाला आज एक्चुअली ऑफिस वर्क था एंड अपना शिपमेंट आने वाला तो इसके लिए छुट्टी लिया था. अपना बात भी हो रहा था कि यू नो पोस्टपोन करते हैं बट नहीं मैं काफ़ी दिनों से वीडियो भी पेंटिंग था एंड स्टॉक भी अच्छा खासा नया आके बहुत सारा स्टॉक भी खाली हो गया है लेकिन और भी फिशेस है अभी वीडियो के अकॉर्डिंग तो देखने में मिलेगा. नहीं बहुत बिजी रहते हैं मतलब 3 हफ्ते पहले एक शूट हमारा हो गया चलो फिक्स हो गया एक दिन पहले कैंसर क्योंकि इनका एक्चुअली शिपमेंट निकला पूरा सोल्ड आउट हो गया बाद में फिर से एक से डेढ़ हफ्ते के बाद शिपमेंट का कैसे हुआ एक्चुअली क्वारंटाइन होने के बाद नेक्स्ट डे ओनली कस्टमर ने आपकी कंप्लीट शिपमेंट उठा दिया सो उसकी वजह से मतलब ये हुआ शूट जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा. देन अगेन ये भी जो आप देख रहे हो उसमें से भी ऑलमोस्ट हाफ फिशेस बुक हो चुके हैं ऑलरेडी पहले ही तो मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं आपके वीडियो के हिसाब से मेरे पास जो कॉन्टैक्ट किए थे उनका ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे उसमें ये पहले ही अपडेट्स आ जाते हैं उसमें उन्होंने बुक कर लिए थे एंड बहुत सारे फिशेस लेकिन मिलेंगे आपको चैनल वीडियो आज कितना देखो आज 10 सितंबर है ये व्लॉग तो मुझे पता नहीं कभी आएगा पर इनका जो वीडियो आएगा ये 12 सितंबर को आएगा ठीक है प्लीज नोट अप करो 12 सितंबर को वीडियो आएगा तो आपको स्टॉक पूरा मिल जाएगा. मैं ऑन कैमरा डेट भी बता रहा हूँ आपके व्यूअर्स के लिए मैं रखूँगा बस ये कैसा है कि जल्दी जल्दी बुक कर लो कि अपने पास वही रहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट जैसे हम बुक करके किसी के लिए रखते नहीं है बेसिकली कि लाइव फिशेस है तो आप बहुत सारे व्यूअर बोलते हैं कि नहीं सर मैं नेक्स्ट वीक करूँगा प्लीज़ मेरे लिए बुक करके रखो तो वैसे हम कुछ रखते नहीं है बिकॉज लाइव फिश है और यहाँ पे कैसे वॉकिंग भी रहता है कि चलो आपने वीडियो देखा कस्टमर्स आके लेके जाते हैं तो अभी मैं आपको मिलूंगा जब भी हम पूरा सेटअप रेडी करेंगे शूट करने के लिए स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको मैं मिलूंगा. 6 बज गए हैं अभी हम शूट करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी कुछ ही देर में हमारा शूट है वो स्टार्ट हो जाएगा पूरा सेटअप अभी रेडी है तो देखते हैं अभी पूरा क्लीनिंग हो गया है ना सब क्लीन हो गया ना स्टॉक है ना बहुत आ गया है पर कैसे मेरा ट्रेन भी है और थोड़ा टाइम भी अभी कस्टमर भी आए थे तो एक को ही अनबॉक्स किया है एक का पूरा बॉक्स है पूरा बाकी है बहुत लेट हो रहा है क्योंकि तो मैं दीवा में आया हूँ मुझे जाना है विरार तो वो ट्रेन मिस हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा जी सर मैं मिस तो सो अभी हम जा रहे हैं दातिवली स्टेशन यहाँ पर आप देख सकते हो ये दातिवली स्टेशन जो मुझे जाने का है विरार ट्रेन आ गई है क्रॉस कर रहा हूँ हाँ चालेल थैंक यू विवेक सर शायद से ट्रेन आ गई है थोड़ा मेरे को उस साइड से आए कुछ एक अलग एडवेंचर है वो करने के लिए मिला शायद से ट्रेन आ रही है मेरे को उफ तो लेट सी टाइम पे आ गए हम लोग 2 मिनट और लेट हो जाते तो प्रॉब्लम हो जाती थी तो ऐसे ऐसे भी स्टेशन है मुंबई में अपनी तो अभी ट्रेन आ जाएगी अभी कुछ ही देर में अभी वेट कर रहा हूँ मैं आप देख सकते हो ये दातिवली स्टेशन है कुछ भी नहीं इधर है पोल भी नहीं लाइटिंग का है तो ऐसे मुंबई में अभी भी स्टेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं और ऐसा भी नहीं कि मुंबई काफ़ी दूर है अब वो देख सकते हो सारा दीवा स्टेशन है और उस साइड है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है प्लस अगर इस साइड में देखोगे तो भी है अच्छा खासा बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो बंदरा है तो अभी भी जो है वो क्या बोलते हो अभी भी ऐसे स्टेशन है
यहाँ पे पोल वगैरह नहीं है। तो अभी विवेक सर ने छोड़ दिया है। एक्चुअली कुछ ज़्यादा मुझे बिहाइंड द सीन शूट करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि इसका रीज़न ऐसा है उनके पास काफ़ी कस्टमर थे, हमने शूट किया और रैप किया, थोड़ा खाया वगैरह और हम लोग निकले। अरे वो फर्स्ट क्लास है, पॉसिबल नहीं है। फाइनली दोस्तों मैं विरार पहुंच गया हूँ। अभी रात के 11 बजे हैं और 11 बजे मैं घर पे पहुंचा हूँ। तो आपने देखा कि मैंने पूरा है वो शूट किया है। बेसिकली बिहाइंड द सीन्स के सारे वीडियोस थे, मतलब एक कुछ अलग लाओ हमारे चैनल पे, तो चलो कर देते हैं। तो मैंने कोशिश की आपके सामने है पूरा वो बिहाइंड द सीन्स वो शूट करने की। हम लोग एक फ्रेम में, जैसे मैंने बोला कि एक फ्रेम में शूट होता है, पर आपको इतना कुछ हम लोग एक वीडियो में नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो एक बिहाइंड द सीन्स बना दे। अगर आप सबका अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया फिश व्लॉग जो नंबर 1 है, तो मैं कोशिश करूँगा और कुछ वीडियोज़ है वो आपके लिए, मतलब बिहाइंड द सीन्स वीडियो है वो लेने के लिए, कुछ अलग से वीडियो बनाने की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो है अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। हालत काफ़ी डाउन है, आपको आवाज़ से पता चलता रहेगा। वीकनेस था, बॉडी पूरा पेन कर रहा था, खांसी सर्दी, तो भी शूट किया क्योंकि काम ज़रूरी रहता है। काम करेंगे तो मतलब काम इम्पोर्टेंट रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मेडिसिन लेके शूट पे जाते हैं, काम करते हैं। क्योंकि कमिटमेंट रहती है जो मैं स्टोर को देता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कमिटमेंट है वो पूरी हो और उनका वीडियो है वो ऑन टाइम आ जाए, तो पूरी कोशिश रहती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो जाते हैं और जो दो शूट का जो कॉल है वो तो पूरा उसको कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा, आपको अपने एंजॉय किया रहेगा। ऐसे ही मिलेंगे हम लोग इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। अभी दोस्तों मुझे इजाज़त दे दो इस वीडियो को एंड करने की। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।